हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज की इस एक्सेल की वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सेल में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। देखिए, यहाँ पे मैंने सात अलग अलग दिन का नंबर ऑफ सेल्स रखा है। किसी दिन नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है तो किसी दिन नंबर ऑफ सेल्स कम है, और आपको यहाँ पर निकालना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। एक्सेल में दो फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। हम लोग दोनों फार्मूला को सीखेंगे और बिल्कुल आराम से सीखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको पॉपुलेशन का निकालना है, आप लिखते हैं इक्वल्स एसटीडी डेव डॉट पी, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप जो आपके पास सिंपल रखा हुआ है उसका आप रेंज डाल देते हो, और जैसे ही रेंज डाल के ब्रैकेट बंद करने के बाद आप इंटरप्रेस करोगे, आपके सामने ये एक वैल्यू चला आया जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू है। लेकिन ये आया कैसे? यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है 86.067605 13, ये कैसे आया? देखिए, मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। सात दिनों का सेल्स आपके पास रखा हुआ है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन सातों दिनों का जो एवरेज सेल है, क्योंकि किसी दिन ज़्यादा है, किसी दिन कम है, किसी दिन बहुत कम है, तो आपको सबसे पहले एवरेज सेल्स निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट किया हुआ है एवरेज सेल्स के लिए, बी का 10, वहां मैंने लिखा इक्वल्स, बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है एवरेज, और ये रेंज मैंने डाल दिया जहां पे मैंने ये सिंपल रखा है, और ब्रैकेट बंद करने के बाद जैसे ही आप इंटरप्रेस करोगे, देखिए आपके पास ये एवरेज आ गया। ये जो एवरेज है, जो भी एवरेज आया है, अभी आपको क्या करना है कि हर दिन का जो नंबर ऑफ सेल्स है उसमें से इस एवरेज को घटा देना है। मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख भी रखा है, डिफरेंस इक्वल्स नंबर ऑफ सेल्स माइनस एवरेज सेल्स। ओके, तो आप लिखोगे इक्वल्स नंबर ऑफ सेल्स आपका इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए यहां पे है माइनस एवरेज सेल, ये है। इस सेल का आपने एड्रेस डाल दिया। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, अगर मैं B10 को जहां पे एवरेज सेल रखा हुआ, अगर मैं इसको लॉक नहीं करूं, तो जब फॉर्मूला को मैं नीचे की तरफ कॉपी करूंगा तो वो फॉर्मूला में भी B10 का B11 B12 हो जाएगा, लेकिन सारे नंबर ऑफ सेल्स के लिए जो एवरेज सेल है वो फिक्स्ड है और वो बी के 10 में रखा हुआ है। तो मैं कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करके इसे कर दे रहा हूं लॉक। अभी जैसे ही मैंने इंटरप्रेस किया, ये देखिए आपके सामने यहां पे डिफरेंस आ चुका है। इस पर्टिकुलर वैल्यू को, फॉर्मूला को आपको नीचे की तरफ कॉपी कर लेना है। अब कहीं पे आपका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब एवरेज सेल्स है वहां पे, जो है ना, सेल्स की संख्या ज्यादा है। कहीं पे नेगेटिव आ रहा है क्योंकि वहां पे एवरेज सेल से जो उस दिन के सेल की संख्या है वो कम है। अब आपको करना क्या है कि ये जो डिफरेंस आया ना सी के 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, इंडिविजुअली सबका आपको स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर मतलब पावर 2। तो आप लिखोगे इक्वल्स दिस पर्टिकुलर सेल, या तो आप इसे ही दो बार मल्टीप्लाई कर दो, दो बार मल्टीप्लाई करके आप इंटरप्रेस कर दो। देखो आपके सामने ये स्क्वायर आ गया, आप इसको जो है फिल हैंडल के थ्रू नीचे की तरफ फिल कर दो। ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे फिल करना चाहते हो, या नहीं तो आपके पास एक दूसरा उपाय है, आप लिखो इक्वल्स दिस पर्टिकुलर सेल, और आपके पास एक्सपोनेंशियल साइन है, जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है जो पावर के लिए यूज होता है, आप शिफ्ट के साथ कीबोर्ड से 6 प्रेस करो, ये पावर आ गया, यहां पे 2 डालो, इंटर, और इस फॉर्मूला को भी आप कॉपी कर दोगे अगर नीचे की तरफ फिल हैंडल से, तो आपका अलग अलग सेल में जो है जो भी स्क्वायर है डिफरेंस का वो आ चुका है। अभी आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से आप समझेंगे, अभी आपको एवरेज निकालना है इस पर्टिकुलर डिफरेंस का। दो तरीका है निकालने का, मैं 1 by 1 दोनों तरीका बताने जा रहा हूं। वे नंबर 1, अभी आपको करना क्या है, इक्वल्स एवरेज, और चूंकि ये डिफरेंस का स्क्वायर का आपको एवरेज निकालना है, तो ये पूरा आपने सेल का रेंज डाल दिया जहां पे आपने डिफरेंस का स्क्वायर निकाल के रखा है, और ब्रैकेट बंद करके जैसे ही आप इंटरप्रेस करोगे आपके सामने जो है ये एवरेज ऑफ डिफरेंस आ गया, तरीका नंबर 1। ठीक है, चलो पहले इस तरीका से अब स्क्वायर रूट निकालना है इसको। तो मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स एस क्यू आर टी ऑफ दिस पर्टिकुलर एवरेज ऑफ डिफरेंस, ब्रैकेट बंद करके जैसे ही आप इंटरप्रेस करोगे आपके सामने जो रिजल्ट आया, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉपुलेशन।
देख लो, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जो है रिजल्ट बिल्कुल सेम है। तो मैंने सबसे शुरू में फॉर्मूला आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, एसटीडी डेव डॉट पी, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे। लेकिन ये जो निकल के वैल्यू आ रहा है, ये एक्चुअली हो क्या रहा है मैथमेटिकल टर्म में, ये मैंने यहां पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया। अभी क्या है ना कि यहां पे जो आपने एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल किया, आप ऐसा करो कि आप यहां पे सम निकाल लो, चूंकि एवरेज जो होता है ना, कारण है इसके पीछे भी, ये चीज भी मैं क्यों बता रहा हूं अभी पता चलेगा। सम पहले आप निकाल लो और बाय काउंट कर लो, काउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज। ऐसा करने के बाद भी अगर आप इंटरप्रेस करते हो तो आपके सामने रिजल्ट वही है, देख लो रिजल्ट वही आ रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम लोग पॉपुलेशन का निकालते हैं, तो जो आपका एवरेज होता है ना, वो जितना दिन का आपने सिंपल डाटा लिया है, जैसे 7 दिनों का आपने डाटा का सैंपल लिया है, तो एवरेज कैलकुलेशन में वो 7 दिन का जो है काउंट होता है। लेकिन अगर आपको सैंपल का निकालना है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को, बाकी सब चीज वही है। अभी आप सैंपल का निकालो, आप लिखो यहां पे इक्वल्स एसटीडी डेव, एसटीडी डेव डॉट एस। ओके, ऐसा लिखने के बाद आप एक्सेल में तो बहुत आसान है, चूंकि ये फॉर्मूला बना के रखा हुआ है, आप सिंपल आप इसको, इस रेंज को आप डाल के ब्रैकेट बंद करोगे, इंटरप्रेस करोगे, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया फॉर सैंपल। लेकिन ये जो है पॉपुलेशन और सिंपल का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। अब इसको कैसे निकालना है, देखिए बहुत ध्यान से इस चीज को समझेंगे हम लोग। यहां पे जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला पॉपुलेशन के लिए, तो आपने डिवाइड किया सम को एग्जैक्टली उतने ही काउंट से जितने दिन का आपने सैंपल लिया था। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर केस में आपने 7 दिन का सैंपल कलेक्ट किया है नंबर ऑफ सेल्स का, तो जब आपने काउंट ऑफ D3 टू D9 किया, तो उसने रिजल्ट में क्या दिया, 7 दिया। अभी आपको करना क्या है ना कि इसमें -1 कर लेना है, लेकिन ये -1 आप लास्ट में अगर करते हो तो देखो एक्चुअली आपको यहां पे ब्रैकेट देके और ये ब्रैकेट बंद कर देना है। मतलब आपको एक्सेल को बताना है कि आप ऐसा करो ना कि जो काउंट आ रहा है 7 ही आ रहा है इस केस में, या जो भी आ रहा है, आप पहले उसमें से एक घटा दो और उसके बाद आप सम में ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो देखो आपके सामने ये जो आया रिजल्ट, ये रिजल्ट सिंपल के रिजल्ट से मैच कर रहा है, जो कि एग्जैक्टली आपको पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन है फॉर सिंपल। तो इस तरह से आप एमएस एक्सेल में दो रेडीमेड फंक्शंस को आसानी से यूज कर सकते हो। पहला है एसटीडी डेव डॉट पी, जो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉपुलेशन निकालेगा, और दूसरा फंक्शन है एसटीडी एसटीडीएफ डॉट एस, जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा, stdev डॉट एस जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा फॉर सिंपल। ओके, लेकिन कैसे वो कैलकुलेशन हो रहा है, यहां पे मैंने इस चार्ट के माध्यम से आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थोड़ा रिवीजन करेंगे आप लोग तो और क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो कमेंट करें, अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो कहाँ पे दिक्कत है उसके बारे में लिखिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में आप लोगों को वो जानकारी भी दे सकूं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और एक्सेल का नया नया फार्मूला सीखना चाहते हैं, एक्सेल के नए नए फार्मूला में इंटरेस्ट रखते हैं सीखने में, तो वो इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी अपडेट मैं दूँ अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को, वो आप लोगों तक सब समय पर पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।